तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत हुई वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूशु नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए सकुरा को पूरे स्कूल में घुमाया जा रहा था। वो जो चीवा यहां पे थी वो देखते कह रही यार किरिहारा और सकुरा दोनों साथ में कितना ज्यादा खुश यहां पे लग रहे हैं, यानी शायद उन दोनों के जो वक्का टाका होगा तो मेरा तो कोई यहां पे असर ही नहीं है। तो उसकी दोस्त यहां पे कहती भाई क्या हुआ यार सकुरा आई मीन चीवा अचानक से तू सैड हो गई है, ओहो जल रही है क्या। सकुरा को किरिहारा के साथ यहां पे देख के अब क्या करे भाई, उसका हो गया तो हो गया। मैंने सुना भी किरिहारा के घर पे जो उसका मार्शल आर्ट जिम था ना उसके मम्मी पापा के मरने के वजह से बंद हो गया था, लेकिन किरियाना ने वापस चालू कर दिया जिसके पास जाके सकुरा भी सीखती है और पीछे से ढेर सारे लोग भी आते आके चेक करेगी क्या, नहीं करेगी भाई तू तहफ्फुज़ में जल रही होगी तो क्यों आएगी, नहीं आएगी मत मैं अकेले जाऊंगी, वो कहती नहीं आऊंगी पक्का यहां पर आऊंगी। उसके बाद यहां पे चेंज होता है रात के समय में जहां पे लूशु आराम से अपने ही घर के अंदर है, सकुरा भी तीन नाम की बस प्रैक्टिस की जा रही थी। मनी मन सोचे जा रही भाई इतना टाइम हो गया इतना दिन हो गया लेकिन जो मेरा मकसद यहां पर ना मकसद भाई नहीं हो पा रहा, और मुझे एक बात समझ नहीं आती ये जो लड़का किरिहारा यार ये कभी प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने तो लिटरली इसको एक सेकंड के लिए भी प्रैक्टिस करते हुए देखा नहीं है। ताने कुछ आगे आती है और कहती बोलिए भाई कल आप क्या खाओगे, तो मैं सामान बाय करने जा रही हूँ आप जो बोलोगे वो सामान यहाँ पर लेकर आऊंगी। लूशु कहते भाई आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे वो बना दीजिएगा, अरे आपके हाथों खाना बढ़िया रहता जो मुझे मतलब जो आप बनाओगे ना मैं सब खा लूंगा, वो कहती ओके ठीक है इतना बोल के निकल जाती है। और सकुरा खुश की भाई यही तो अब पूरे घर में ना मैं और लूशु यहाँ पे अकेले हो गए, एक लड़का और एक लड़की एक घर में अकेले हैं तो और क्या हो सकता है। तो सामने से अपने जो कपड़े ना एकदम ढीला ढाला कर लेती है और काफी सेक्सी अंदाज में कहती कि टीचर सुनिए ना मुझे ना एक छोटा सा ना डाउट है। लूशु समझ जाते कह रही यार इस लड़की को मेरे ऊपर जासूस का काम करने के लिए अब मुझे पटा के मुझसे इंफॉर्मेशन उगलवाने का पक्का काम मिला, सारा टेक्निक इसने ट्राई मार लिया एक भी काम नहीं आया तो एंड में मुझे पटाने के बारे में इस तरीके से पटाने के बारे में सोच रही है। ताने कुछ आ जाती है और कहती मच्छी चलेगी बड़ी वाली, जो सुनते लूशु कहते नहीं थोड़ी मीडियम साइज के लेके आ जाओ, बड़ी वाली मुंह में बहुत ज्यादा यहाँ पे अटकती है। सकुरा का दिमाग कहते कह रही अरे बीच में यहाँ पर आ गई बाल बाल बची भाई, अच्छे वो पूरे कपड़े मैंने उतारे नहीं थे। उसके बाद ना तानेगुची वापस यहाँ पे निकल जाती है कि ओके ठीक है मैं मीडियम साइज की मच्छी लेकर आऊंगी। तो सकुरा को अच्छा मौका मिलता है, यस अब जा चुकी है पूरे कपड़े उतार लेती हूँ तो और उतारने को तैयार थी, लेकिन तानेगुची वापस आ जाती है और कहती है मच्छी में आपको मसाला यहाँ पे कौन सा चाहिए, गर्म मसाला ठंडा मसाला खड़ा मसाला या सोया मसाला। सामने से लूशु कहता है भाई कोई सा भी मसाला चलेगा, अरे काम करते हैं भाई कि ब्ला 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 मतलब सब बहुत बातचीत करने के बाद ना एंड में ये डिसाइड करते हैं कि भाई मेनू जाना है क्या ना यार, उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे हिसाब से क्या शॉपिंग करें, मैं उनके साथ जा रहा हूँ बाय इतना बोले के निकल जाता है। और सकुरा ठरी की ठरी रह जाती कि भाई चला गया अभी मेरा प्लान तो इस बार भी नहीं हो पाया और लेकिन मुझे अच्छा यहाँ पर लग रहा है सच्ची में अच्छा लग क्या ना, आज मैंने डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए अपने आप को ना इसके हवाले कर दूंगी इसकी हो जाऊंगी और उसके बाद जो भी होना था होगा, लेकिन नहीं हुआ और चला गया। मुझे इस बात की खुशी कि भाई मुझे भी सच्ची में ये सब करने का कोई भी मूड नहीं है, लेकिन मेरे टीचर ने मेरे मास्टर ओडा ने यहाँ पे बोला था उनके वो जो बोलेंगे मुझे करना पड़ेगा भाई क्या करूँ, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान यहाँ पे किया है इसलिए मैं चाह के भी मना नहीं कर पाई, लेकिन यार क्या करूँ भाई आगे नहीं आज नहीं तो कल ही काम तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मुझे तो रोना आ रहा है। उतने में लूशु आ जाता है, वादे कहते सकुरा तुम यहीं पर हो, सकुरा कहते बोल हाँ मैं यहीं पर हूँ अपने शॉपिंग कर लिया, लूशु कहते नहीं मैं चल जाऊँगा तनिक कुछ चल जाएगी तुम अकेले हो जाओगी ना तो एक काम करो भाई हमारे साथ चलो मिलकर शॉपिंग करेंगे। सकुरा कहती है सच्ची में मतलब आप मुझे अपने साथ बुला रहे, लूशु कहता हाँ मैं सच्ची में तुम्हें अपने साथ बुला रहा हूँ चलो, वो खुश हो जाती है और कहती है ओके ठीक है तो चलिए हाँ तो आराम से शॉपिंग करने के लिए निकल जाते। सकुरा खुश थी एकदम स्माइल मार के लूशु की ओर देखती है, मनी मन सोचती मैं टीचर ने बोला कि भाई इसकी हो जाओगी इसको अपना जिस्म दे दूंगी तो हो जाओ इसकी औरत यहाँ पे बन जाओ कोई बुरी बात नहीं है इसमें, और मैं देख सकती हूँ सच्ची में कोई बुरी बात तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद यहाँ पे शेष होता कुछ दिन बाद आराम से स्कूल के अंदर जहाँ पे लूशु ने टेबल पे अपने सोया हुआ था और जो सकुरा यहाँ पे थी ना सकुरा भी बाजू बैठी हुई है। मनी मन सोचती भाई ये आदमी के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, ये आदमी इटली कितना अजीब है, मैं रोज समझने की कोशिश करती हूँ इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं पाती, एग्जाम आने वाले लेकिन टेंशन ये आराम से ना घोड़े बेच के यहाँ पे सोता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं जानबूझ के जाकर उंगली करता है उनको परेशान करता है एंड में नाटक करता है कि मैंने तो कुछ भी यहाँ पे किया ही नहीं है। तो यार सच्ची में यार ये ऐसा कौन यहाँ पे करता है, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा अभी जो हालत यहाँ पर ना काफ़ी बुरी है, माहौल यहाँ पे बेकार है मतलब बेकार है, लेकिन कभी वैसे टेंशन में प्रेशर में या फिर हालत खराब इसकी नहीं लगती एकदम बिंदास लगता है। और यही बात है ना इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। उतने में जो लूशु ना एक पेपर लेता है और पेपर लेके ना सकुरा की ओर फेंकता है और इशारे से कहता भी खोल के देखो, हाँ तो सामने से सकुरा खोलती है तो उसके अंदर लिखा हुआ था आज रात को हमारे घर में कोई भी रहने वाला नहीं है। तो सकुरा को लगता है अच्छा आज रात को कोई भी नहीं है तो ये मुझे आज रात को मजे करने के लिए बुला रहा है, यानी लड़का तो लड़का होता भाई इसको भी करने, यानी शायद आज रात को सच्ची में मुझे अपना जिस्म देखे इसकी यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो रात का समय होता है जाने को
तैयार थी, कपड़े वपड़े पहन लेती है अच्छे से एकदम सुंदर शानदार, और कहती भाई जो भी मेरी डिग्निटी जो भी मेरा प्राइडनेस था ना एज अ कल्टिवेटर, आज वो सबको छोड़ के मुझे किरियारे के पास जाके उसको अपनी देकर अपनी इज्जत और सबको देकर उसकी यहाँ पे बनना पड़ेगा। हाँ तो ये आराम से निकल जाती है, और जैसे निकलती है देखती भाई ये तो दरवाजा बंद है, कोई बात नहीं ठकठकाती हूँ अंदर से निकलेगा, दरवाजा यहाँ पे पीटती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हिल जाती भाई ऐसा कैसे यार उसने बोला था होगा, दरवाजा बार बार पीटती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, समझ जाती है कह रही है लेटर में लिखा हुआ था आज रात को घर पे कोई नहीं रहेगा, यानी रात को कोई घर पे नहीं रहेगा, ना मैं रहूंगा ना मेरी तानी कुछी रहेगी, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, यानी मुझे कहना चाहते थे कोई घर पे नहीं रहेगा, आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैंने क्या समझ लिया, उसके बाद सीन शुरू था लूशू पे जो कि चर्च में यहाँ पे आया था प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख है जो कि हारा के मम्मी पापा यहाँ पे थे ना उनकी एनिवर्सरी थी, तो अगर नहीं जाएगा तो भाई शक हो जाएगा, इसके लिए आया था। तो ये मनी मन लूशू सोचता बिल मैंने सकुरा को लेटर देकर बता तो दिया रात को घर पर कोई नहीं होगा, आने की कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नो उसके साथ क्या हुआ, आई होगी या नहीं आई होगी, नहीं आनी चाहिए भाई, मैंने तो उसको मना कर दिया। ताने कुछ सुनो ना यार, ये जो कलेक्शन ऑफ गॉड में फैल्कन को मारने के बाद क्या बोलते हैं भाई, कुछ ऐसा खबर वबर आया क्या वो सामने से कह दिया, अच्छा उसके मरने के बाद खबर क्या, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है, मैंने पता करने की कोशिश की है, मिल जाएगा बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन, उससे पहले तुम भी उंगली करने के बारे में सोचना मत। और ये चैप्टर खत्म, और फाइनली मैंने पूरे के पूरे खत्म कर दिया। हाँ अगर आपको इसको आगे यहाँ पे देखना है तो जो मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है एक्समेटिस लॉर्ड, उस पर मैंने ना इसके आगे चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं, और कंटिन्यू करते करते मैंने टोटल 600 पार यहाँ पे कर दिए हैं, तो उसका एपिसोड का लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देखो, उसके नीचे आपको एक एक करके सारे मिल जाएंगे, आप देखो आराम से एंजॉय यहाँ पे करना यार, आगे आगे जैसे कहानी यहाँ पे बढ़ेगी ना आपको और ज़्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है, तो भूलिएगा बिल्कुल मत। और इस पर भाई ये लाइक का मतलब लाइक का टारगेट 2000 पूरा कर दो। तो अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।